फ्रेंड्स, आप सभी ने एविएशन मार्केट के रूप में भारत की ग्रोथ को स्टडी भी किया है और उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत का एविएशन मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज एविएशन सेक्टर से जुड़ा हर स्टेक होल्डर नए उत्साह से भरा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर स्टेक होल्डर भारत में नई संभावनाएं तलाश रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। एक दशक में भारत में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो जा चुकी है। इसमें उड़ान जैसी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब अगले कुछ वर्षों में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इतनी बड़ी डिमांड को देखते हुए ही हमारी एयरलाइंस ने सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। यानी भारत दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ऊर्जा देने जा रहा है। फ्रेंड्स, आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत इतना आगे बढ़ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है। एक समय था जब पुअर एयर कनेक्टिविटी हमारे यहां बहुत बड़ा चैलेंज थी। इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा था। इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया। आज भारत दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। 2014 में भारत में 70 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज देश में 150 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। हमने नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए बल्कि अपने एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया है। फ्रेंड्स, भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से एयर कार्गो के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत के दूर सुदूर के क्षेत्रों के प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो रहा है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। फ्रेंड्स, अपने एविएशन सेक्टर की ये ग्रोथ बढ़ रही है और तेज हो, इसके लिए भारत पॉलिसी लेवल पर लगातार कदम उठा रहा है। हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्सेस को कम किया जाए। एयरक्राफ्ट लीजिंग को भी हम आसान बनाने में जुटे हैं। हमारा प्रयास है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग में
भारत की ऑफशोर डिपेंडेंस कम हो, इसलिए गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है। इसका लाभ भी पूरे देश के एविएशन सेक्टर को मिलेगा।